नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसाल वास्तु कंसल्टेंट आज फिर अपनी इस सीरीज़ में प्लॉट चेन से लेकर भवन निर्माण तक और भवन निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इस सीरीज़ में आज फिर आप लोगों के लिए एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा आज का विषय है ओपन एरिया वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में कितना ओपन एरिया होना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा आपका प्लॉट साउथ फेसिंग यानी दक्षिण मुखी है और आपके प्लॉट का साइज़ बड़ा है तो ऐसे में आपको करना क्या है यदि आप का प्लॉट का साइज़ बड़ा है और आप अपनी बिल्डिंग चारों तरफ से ओपन रख के बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना है मेरे को वास्तु विजिट करते हुए तेईस साल हो गए हैं और मेरा अपना तेईस सालों का जो एक्सपीरियंस है जो अनुभव है वो अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ आपका प्लॉट साउथ फेसिंग है और आप चारों तरफ से अपने प्लॉट को ओपन रख के बीच में बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना है जब आप चारों तरफ से ओपन रख के अपनी बिल्डिंग बनाते हैं तो आपकी बिल्डिंग वेस्ट की दीवार की तरफ बननी चाहिए यानी वेस्ट साउथ वेस्ट जोन की ओर बननी चाहिए वेस्ट में जितना ओपन एरिया रखते हैं उससे ज़्यादा ओपन एरिया आपका ईस्ट में पूर्व दिशा में होना चाहिए और ऐसे ही फ्रंट में यानी साउथ के भाग में जितना ओपन एरिया रखते हैं उससे ज़्यादा ओपन एरिया आपका नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में होना चाहिए ऐसा करने से आपकी बिल्डिंग साउथ वेस्ट की ओर ज़्यादा हो जाती है और नॉर्थ ईस्ट का एरिया ओपन ज़्यादा हो जाता है और ऐसा करने से आपके प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट का एरिया ज़्यादा ओपन हो जाता है ज़्यादा खुला हो जाता है जो कि आज पर वास्तु सबसे अच्छा माना जाता है ऐसे ही आप यह चाहते हैं कि आप तीन तरफ से अपने बिल्डिंग को ओपन रखना चाहते हैं और एक तरफ आपकी दीवार पर बिल्डिंग बने तो ऐसे में आपने जो अपनी बिल्डिंग बनानी है वो बिल्डिंग आप वेस्ट की दीवार के साथ बनाए ईस्ट में भी ओपन एरिया रखें नॉर्थ में भी ओपन एरिया रखें और फ्रंट में भी ओपन एरिया रखें फ्रंट में ओपन एरिया कम होना चाहिए और बैक साइड में यानी नॉर्थ में ओपन एरिया ज़्यादा होना चाहिए और ईस्ट में भी आपका ओपन एरिया जितना आप रखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा आपके प्लॉट की चौड़ाई कम है और आप ये चाहते हैं कि फ्रंट के भाग में और बैक साइड में ओपन एरिया हो जाए तो उसमें आप वेस्ट की दीवार और ईस्ट की दीवार पर पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं आपका फ्रंट में जितना ओपन एरिया आपने रखना है उससे ज़्यादा ओपन एरिया आपने नॉर्थ में ज़रूर रखना है ऐसा करने से आपका प्लॉट का वास्तु सही हो जाता है और आपकी बिल्डिंग सही तरीके से बन जाती है आप आर्किटेक्ट से जो भी मैप बनवाते हैं उस मैप को वास्तु कंसल्टेंट से एक बार जरूर चेक कराएं क्योंकि जो घर आप बनाने जा रहे हैं उसमें आपके जीवन की जमा पूंजी तो लग ही रही है साथ में आप कहीं ना कहीं से हाथ उधारा पैसा भी उठाते हैं बैंक लोन से भी पैसा लेते हैं यानी बैंक लोन भी लेते हैं और आप अपने घर को बनाते हैं आपका घर एज पर वास्तु सही बन जाता है आपके घर के अंदर सुख सुविधाएँ आ जाती है तो आपके वो घर आपके लिए फलीभूत हो जाता है यदि घर एज पर वास्तु नहीं बनता कोई वास्तु दोष बन जाता है तो वो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानी ला सकता है तो इसलिए आप अपने मैप को एक बार वास्तु कंसल्टेंट से ज़रूर चेक करें आप अपने मैप पर ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं और आप अपने यहाँ पर साइट विजिट के लिए हमें इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी व्यक्ति अपना घर बना रहा है तो मेरी यह सीरीज़ उस व्यक्ति के काम आ सकती है हर व्यक्ति के संपर्क में बहुत सारे लोग होते हैं और उनमें से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने घर को बनाता है अपने प्लॉट में कंस्ट्रक्शन चालू करता है या अपने घर को रेनोवेट करता है या अपने घर को रेनोवेट करता है तो मेरी यह वीडियो उस व्यक्ति के काम आ सकती है तो इसलिए मेरी इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सअप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाए क्योंकि मेरी जो सीरीज चल रही है प्लॉट चेन से लेकर भवन निर्माण तक और भवन निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इस सीरीज में जितनी भी मेरी वीडियो बन रही है उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आती रहेगी इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे आप सभी अपना कीमती समय निकल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तय दिल से धन्यवाद करता हूँ